हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक केमिकल सेक्टर की धाकड़ कंपनी बताऊंगा जो कई सारे इंडस्ट्री के लिए केमिकल बनाती है, जैसे वाटर ट्रीटमेंट केमिकल, कंस्ट्रक्शन केमिकल, डिटर्जेंट एंड क्लीनिंग केमिकल, होम केयर, पर्सनल केयर, पेंट, टेक्सटाइल और भी कई तरह के इंडस्ट्री के लिए इनके पास प्रोडक्ट हैं भाई। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 9000 करोड़ का इसका मार्केट कैप भी है, आपको ये बहुत ही तेजी से रिटर्न बना के दे सकता है। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका हाफ ईयरली रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता करें, कंपनी के धंधे के बारे में पता करें। अगर वह इस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनकी सर्विसेज अच्छे हैं, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। आप लोग अपने पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल के आधार पे किसी स्टॉक को जगह दो, वरना आप लोग लंबे समय तक पैसा नहीं बना पाओगे। जिन लोगों को भाई समझ में नहीं आता कि क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो भाई, नेट सेल टर्नओवर मार्च 17 में था वो 359.39 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 599.66 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, हाफ ईयरली 359 से 599 हो चुका है भाई। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो टोटल इनकम था वो 366.91 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 617.22 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 113.62 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 226.21 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाफ ईयरली 113 से 226 हो चुका है भाई। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो एबिटा था वो 121.14 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 243.77 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है, हाफ ईयरली 121 से 243 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है, मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ये भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 73.15 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 153.20 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है, हाफ ईयरली 73 से 153 हो चुका है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो पैट था वो 73.15 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 153.20 हो चुका है। तो ये भी शानदार है रिपोर्टेड पैट भी। तो मुझे इसका हाफ ईयरली रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है, मैं जितनी तारीख फ्रेंड वो कम ही होगा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूँ। पहले आप हाफ ईयरली रिजल्ट देख रहे थे, तो देखो भाई नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 771.73 था मार्च 15 में 771.73 था, और मार्च 19 में देख लो 1108.14 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, ईयर टू ईयर वाइज 771 से 1108 हो चुका है भाई। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 780.87 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1158.09 हो चुका है।
तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर बाय 780 से 1158 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर बाइज मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 191.77 था, मार्च 15 में 191.77 था, और मार्च 19 में देख लो 403.62 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर बाइज 191 से 403 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर बाइज मार्च 15 में जो एबिटा था वो 200.91 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 453.57 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज 200 से 453 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिटा दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 115.79 था, मार्च 15 में 115.79 था, और मार्च 19 में देख लो 282.49 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है ईयर टू ईयर वाइज 115 से 282 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो पैट था वो 115.79 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 282.49 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 22.44 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 54.97 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है ईयर टू ईयर वाइज 22 से 54 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस कंपनी में 20-30 हजार रुपए लगा के रखिए, लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। बिनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड अब तक किस टाइप रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई, ये कंपनी पिछले 10 साल में वेल्थ क्रिएट करके दिया है, और भैया आगे भी रिटर्न बना के देगा। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 5725.24% रिटर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा 10 साल में। सेंसेक्स रिटर्न है वो 136.87% रिटर्न है, 3 साल में रिटर्न है वो 234.42% रिटर्न है, सेंसेक्स रिटर्न है वो 32.65% रिटर्न है, 1 ईयर में देख लो 1 ईयर में रिटर्न है 86.63% रिटर्न है, सेंसेक्स रिटर्न है -0.13% रिटर्न है। तो आपने देखा कि 10 साल में 5000% का कुछ रिटर्न था, और 1 ईयर में 86% रिटर्न है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि भैया लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है, शॉर्ट टर्म भाई कुछ भी पैसा नहीं बनता है, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में रिटर्न है 9.16% रिटर्न है, सेंसेक्स रिटर्न है 2.91% रिटर्न है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 9% रिटर्न बना के दे चुका है। 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ रिटर्न है -15.36% रिटर्न है, सेंसेक्स रिटर्न है -6.78% रिटर्न है, 1 वीक में रिटर्न है -3.31% रिटर्न है, सेंसेक्स रिटर्न है -2.02% रिटर्न है, 1 डे में रिटर्न है -0.34% रिटर्न है, सेंसेक्स रिटर्न है 0.27% रिटर्न है। आप लोग अपनी पोर्टफोलियो में बिनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को जगह दीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत ही तेजी से रिटर्न बना के दे सकता है, फाइनेंशियल भी बहुत ही अच्छे हैं इसका। बिनाती ऑर्गेनिक्स का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो भाई, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 74.01% होल्डिंग है, FIS के पास जो होल्डिंग है बिनाती ऑर्गेनिक्स में 4.11% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है बिनाती ऑर्गेनिक्स में 6.01% होल्डिंग है,
इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है 0.13% होल्डिंग है, अदर डीए पे जो होल्डिंग है 0.06% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 15.68% होल्डिंग है, कोई भी शेयर बिनाती ऑर्गेंस का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बिनाती ऑर्गेनिक्स का, पी रेशियो है बिनाती ऑर्गेंस का 30.77 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है बिनाती ऑर्गेंस का 8.80 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड जो है बिनाती ऑर्गेंस का 0.39% का डिविडेंड यील्ड है, आरओसी लेटेस्ट देख लो भाई बहुत ही बढ़िया है बिनाती ऑर्गेंस का 39.89% का, आरओई देख लो 28.59% का। तो भैया मुझे इसका आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। वैल्यूएशन देख लो भाई वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है, फेयर जो वैल्यूएशन होगा बिनाती ऑर्गेंस का वो 558 से 667 के बीच फेयर वैल्यूएशन होगा, जो कि फ्रेंड कभी भी नहीं आने वाला है। आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाना चाहते हो तो 1680 1720 के आसपास ये स्टॉक आता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रख लेना। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो देख लो गुड बता रहा है। सेल्स को जो 5 ईयर का 9.03% का है, एबिट को जो 5 ईयर का 23.89% का है, तो भैया मुझे इसका एबिट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिनाती ऑर्गेंस लिमिटेड ने किस टाइप रिटर्न बना के दिया है, तो देख लो भाई 10 साल में रिटर्न है वो 5729% है, 5 साल में 416% है, 3 साल में 234% है, 1 ईयर में 86% है, ईयर टू डेट में 9% है, 1 मंथ में -15% है, 1 वीक में -3% है। तो देख सकते हो भाई ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देती है, अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है, तो आप लोग इस कंपनी में पोजीशन बनाइएगा। 1720 के आसपास ये स्टॉक आता है तो आप लोग खरीद भी सकते हो। बिनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 2277 रुपया, 52 वीक लो है 955 रुपया। मार्केट कैप देख लो भाई अच्छा खासा मार्केट कैप है 9257.84 का मार्केट कैप है। कुछ दिन पहले भाई इसका मार्केट कैप मैं देखा था 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हुआ करता था, लेकिन भाई अभी मार्केट कैप गिर चुका है क्योंकि ये स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो आप लोग खरीदिए, अगर नहीं खरीदते हो तो फिर मुश्किल है भाई, कंपनी बहुत ही बढ़िया है। आप लोग कंपनी को ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें और इनके बिजनेस के बारे में पता करें तब जाकर कासा लगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ भाई कि मैं बता दिया कोई स्टॉक तो जाके खरीद ही लो, नहीं भाई खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले बिजनेस को समझिए, बिजनेस को समझ जाएंगे ना तो आप शेयर मार्केट का राजा हो जाएंगे, किंग हो जाएंगे। बिनाती ऑर्गेंस का पी जो है भाई वो 30.80 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 24.54 का, इंडस्ट्री पी के मुकाबले बिनाती ऑर्गेंस का पी हाई है थोड़ा सा। बुक वैल्यू जो है बिनाती ऑर्गेंस का वो 204.56 का बुक वैल्यू है, अर्निंग पर से देख लो भाई बहुत ही बढ़िया है बिनाती ऑर्गेंस का 58.49 का अर्निंग पर से है, फेस वैल्यू 2 का है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगा के रखिए, लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।